हाय, आई एम अनीसा रियाज, वेलकम टू ग्लिस विजन यूएसए। तो आज बिग बॉस ओटीटी डे 3, वैसे तो संडे को शुरू हुआ था, एंट्री संडे को हुई थी, तो 4th होना चाहिए, लेकिन क्योंकि डे 1st मंडे से हुआ है तो इस हिसाब से डे 3। तो आज की एपिसोड स्टार्ट हुई शमिता और अक्षरा की बात से, जहां शमिता जाके अक्षरा से कहती हैं कि उनका ग्लूटेन फ्री जो कर्नोला है वो नहीं खाएं, क्योंकि और अगर खाना है तो पूछ के खाएं, क्योंकि उनको कोई कोलाइटिस प्रॉब्लम है और जिसकी वजह से उनको वो ही खाती हैं, और क्योंकि वो नेहा और शमिता दोनों को दिए गए हैं तो नेहा शायद उनको परमिशन दे देती है, जिसकी वजह से वो खा लेती हैं अक्षरा, और वो एक ट्रबल बन जाता है, वो एक इशू बन जाता है। अक्षरा बहुत ज़्यादा दुखी, वो होती हैं, उनको बहुत ऑफेंड होती हैं कि वो इस तरह से उन्हें मना किया गया, उन्होंने कहा मैं खाना ही नहीं खाऊंगी एंड ऑल। तो ये इस लड़ाई से ज़रा दिन शुरू होता है, जहाँ शमिता उन्हें समझाने की कोशिश करती हैं कि वो क्यों बोल रही हैं, लेकिन अक्षरा उस बात का बहुत बुरा मान जाती है, उन्हें लगता है कि अरे ये तो इंग्लिश झाड़ रही हैं, हमें वो हाई फाई दिखा रही हैं एंड ऑल एंड ऑल, जबकि ऐसा कुछ था नहीं। वो हर इंसान जिस तरह से बात करता है वो उसी तरह से समझाने की कोशिश करता है, वो किसी को जताने के लिए नहीं करता, और ये ही शमिता कर रही थी। जिस तरह की वो उनका लाइफ स्टाइल है, उनका बात करने का तरीका, उस तरह से बात कर रही थी। एनीवेज, तो ये इस तरह से दिन शुरू हुआ, और इस बात का मज़ा जो है ना, उर्फी, मुस्कान, प्रतीक और जो है क्या नाम है अपना निशांत, वो बहुत मज़ा ले रहे थे उससे। तो इस तरह से दिन शुरू हुआ, और फिर उसके बाद एंट्री हुई सीमा जी की, जो कि घर में आए, जिन्हें कनेक्शन की गहरी समझ थी और ये कनेक्शंस के से बात करने और उनको एडवाइस करने आई थी, तो वो घर में आई और उन्होंने सबसे पहले तो उर्फी और जीशान को बुलाया, उनसे बातें की, जहाँ उर्फी को तो बहुत शिकायतें थी जीशान से, उन्हें लगता है वो सपोर्ट नहीं करते हैं, ज़्यादा बात नहीं करते हैं उनसे, और फिर उनको एडवाइस दी गई कि भाई आप अपने एडवांटेज को डिसएडवांटेज में बदल रहे हैं, मिलकर खेलो। तो ये एडवाइस उनको दी गई, फिर निशांत और मुस्कान आए, जिन्हें लगा वो बहुत राइट हैं, वो बहुत अच्छा है, उनकी कंपेटिबिलिटी है और उनमें जो है क्या बोलते अपनी दोस्ती भी है, वो एक दूसरे को समझते भी हैं, तो उनको ऐसा लगा और उनको कहा कि कनेक्ट रहिए, जीतेंगे, अगर आप जितना कनेक्ट रहेंगे तो जीतेंगे। तो इस तरह से उनको एडवाइस दी गई, उनसे बात की गई, फिर आए रिधिमा एंड करण, उनसे बातें की, उनको रिधिमा को लगता है भाई हम क्लियर हैं, हम जो हैं बॉन्डिंग अच्छी है हमारी, और उनको भी यही बोला कि भाई बेटर कनेक्शन बनाएं एक दूसरे के साथ और दूसरों से भी। तो इस तरह की एडवाइस रिधिमा और करण को दी गई, और फिर आए प्रतीक और अक्षरा, और उनको लगता है कि प्रतीक स्टैंड लेते हैं, इस वजह से ही अक्षरा ने उन्हें सुना चुना उन्हों, क्योंकि उन्होंने स्टेज से ही देख लिया था कि ये बंदा जो दिखा रहा है वो एक्चुअली वो उतना बुरा है नहीं और ये दिल का अच्छा है, क्योंकि जो लोग बाकी ये बात है जो बाहर लोग होते हैं बहुत आपको देखने में लगते हैं कि बड़े घुसीले हैं या कुछ हैं, लेकिन वो एक कॉल ओढ़ के रहते हैं ताकि उनको फिर लोग उनका एडवांटेज इस तरह से नहीं ले सकेंगे। तो यही प्रतीक उनकी नज़र में यही था कि उन्हें ऐसा ही लगा प्रतीक। तो और फिर उन्होंने बताया वो कितने खुश हैं एक दूसरे से, वो दूर भी खड़े हों तो समझ जाते हैं, जहाँ एक दूसरे को ज़रूरत होती है वो एक दूसरे के साथ होते हैं। पर अक्षरा ने ये बोला और वो राइट थी कि वो टाइम पर बोलना चाहिए, ये हर वक्त लड़ाई झगड़े नहीं करने चाहिए, जो कि वो सही, क्योंकि प्रतीक मुस्तकिल करता है, मगर अक्षरा जहाँ ज़रूरत है जब है वो बोलती ही हैं, हर बात पे झगड़ा नहीं करती, हर बात को मुद्दा नहीं बनाती हैं, जो कि वो सही है। और उनका एडवाइस दिया गया कि पेशेंट से खेलें, स्पेशली प्रतीक को, और उनको बताया गया कि वो कितने राइट डायरेक्शन में जा रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, और आज का जो हैशटैग जो कि हिट हो गया वो ये था, जो कि अक्षरा ने लिखा, फटी तो फटी लेकिन पावर नहीं घटी। सही बात है, मतलब पावर नहीं घटनी चाहिए, तो दिस इज़ द रियली नाइस हैशटैग, और मुझे लग रहा है कि बहुत ही हिट होने वाला है।
फिर बीच बीच में दिखाया कि भाई उर्फी ने पवित्रा का जिक्र किया दिव्या शमीता के सामने और बताया कि किस तरह वो उसकी एक्स थी प्रतीक की, और उनकी किस तरह से प्रतीक उसको ट्रीट करता था। कुछ थोड़ा बताया उन्होंने कि वो थोड़ा दीवार से मार दिया ऐसे कुछ तो बात उन्होंने की थी। लेकिन शमिता ने उन्हें बोला कि भाई तुमको ये अच्छा लगता है, तुमको लगता है कि मतलब ये अच्छा है कि एक डिसरिस्पेक्ट करता है वो ह्यूमन बीइंग की। तो उस पर वो कहेंगे नहीं मुझे ऐसे लगा ये इसकी स्ट्रेटजी है नॉल एंड ऑल। उन्होंने खैर अपनी जो बात कह दी थी उसको कवर अप किया। एंड फिर दिखाया कि शमिता और राकेश को बुलाया सीमा जी ने, और उन लोगों की वो उस तरह से कनेक्शन नहीं बैठ रहा था जिस तरह से दूसरों का बैठा या दूसरों ने अपना बताया। क्योंकि शमिता राकेश काम तो करते हैं, अपने अपने रिस्पॉन्सिबल हैं, पीपल हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अपनी करते हैं, लेकिन जिस तरह से जैसे शमिता की वो प्रतीक से लड़ाई हुई तो राकेश ने आके खड़ा नहीं हुआ उसके लिए, वो करण खड़ा हुआ मगर राकेश खड़ा नहीं हुआ, एज ए कनेक्शन उनको सपोर्ट नहीं की गई। तो उस तरह से उनको मतलब लगा के करना चाहिए था और उनके सपोर्ट नहीं करते हैं या बहुत ज़्यादा वैसे सेटल हैं बट एज ए कनेक्शन एक दूसरे को कुछ ज़्यादा करते नहीं हैं। तो उस पर उनको बोला गया कि बहुत एफर्ट डालना है, स्ट्रांग हैं, डोंट गिव अप बट पुट मोर एफर्ट। तो ये एडवाइस उनको दी गई। और फिर नेहा एंड मिलिंद आए और जिन्हें नेहा को लगा कि उनका वो रियल कनेक्शन है नेगेटिविटी, नेहा ने बोला कि वो नहीं झेल सकती हैं। और मिलिंद और नेहा ने भी जिस तरह से वो गेम खेला एक दूसरे के बारे में जिस तरह बताया या रैंक किया एक दूसरे को, तो उस बेस पे जो है उनसे कहा कि आपका कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है, उनको प्रेस किया और काफ़ी उन दोनों का भी काफ़ी अच्छा कनेक्शन है। फिर बाद में फिर वही प्रतीक और दिव्या का झगड़ा, दिव्या सवाल कर रही थी अक्षरा से जिसका जवाब प्रतीक ने दिया और फिर एक बवाल मचा। लेकिन आज थोड़ा सेटल था, जितना ज़्यादा नहीं हुआ, लेकिन दिव्या तो आज पूरा दिन बड़ी दुखी दुखी सी थी क्योंकि एक तो उनका कोई कनेक्शन नहीं है, दूसरा उनको शमिता ने सपोर्ट नहीं किया जब वो उनको ज़रूरत थी जब, और फिर रिधिमा उनसे बात नहीं करती, निशान से बात करती, उस पर वो दुखी थी। फिर उनको जो है क्या बोलते हुए जब टास्क हुआ जो एक कनेक्शन का, जो सीमा जी आई तो उनको ऑब्वियसली उनका कनेक्शन नहीं है तो उनको घास नहीं डाली गई है, तो वो सारे दुख थे उनके अंदर। और निशान वैसे स्मार्ट खेल रहे हैं, जब तक तो खेल रहे थे, जब तक रैंकिंग का नहीं पता, तो अच्छा ही खेल रहे हैं वैसे, लेकिन वो खेल रहे थे। और शमिता को लगता है कि प्रतीक जो है ना उनसे सबसे अटेंशन ले रहा है, उसकी बात हो या ना हो वो घुस जाता है सिर्फ अटेंशन लेने के लिए। और फिर टास्क का रैंकिंग का टास्क दिया गया कि भाई एक दूसरे एज ए कनेक्शन एक दूसरे को रैंक करें, जिस पे ऑब्वियसली प्रतीक और अक्षरा तो नंबर वन पे जाके खड़े हो गए, वहाँ से हिले नहीं। बाकियों में भी ये हुआ, शमिता एंड राकेश नंबर टू पे खड़े हो गए, जो कि मुझे थोड़ा सा लगा कि ये सेकंड पे कैसे आ गए, क्योंकि ये सेकंड पे नहीं है जिस तरह से सारे कनेक्शंस खेल रहे हैं। मुझे लगा कि निशांत और वो फिर भी उधर होने चाहिए थे, जिस तरह की बॉन्डिंग है, जिस तरह की सपोर्ट है, या नेहा और मिलिंद ये लोगों का जिस तरह से बॉन्ड है। लेकिन खैर सब अपने अपने हिसाब से खड़े हो गए। फिर बिग बॉस ने 5 मिनट दिए कि भाई सॉर्ट आउट करो, ये तुम लोगों का झगड़ा ख़त्म करो जल्दी, तुम्हारे पास 5 मिनट है। लेकिन ऑब्वियसली वो तीन ही रैंकिंग पे सब एक दूसरे को मानते थे तो वो एक दूसरे के पीछे खड़े हो गए, लेकिन वो किसी और रैंक पे गए नहीं, उससे नीचे तो कोई गया नहीं। लेकिन फिर सीमा जी से रैंकिंग पूछी गई थी क्योंकि ऑब्वियसली उन्होंने कनेक्शन से बात करी, तो उनकी उनकी बातों से उनकी राय ली गई कि वो क्या समझती हैं कौन किस रैंकिंग पर है। और इस तरह सीमा जी ने रैंक किया अक्षरा एंड प्रतीक को नंबर 1 पे, नेहा मिलिंद को नंबर 2 पे, रिधिमा और करण को नंबर 3 पे, शमिता और राकेश को नंबर 4 पे, मुस्कान और निशान को नंबर 5 पे, उर्फी और जीशान को नंबर 6 पे। मुझे लगा था कि वो मुस्कान और निशान को माइट बी सेकंड पे लाएं, क्योंकि जिस तरह से वो बात कर रहे थे, जिस तरह से वो समझते हैं कि देयर
बॉन्डिंग इज़ रियली कूल और देयर ये बेस्ट कनेक्शन है। वैसे तो बहुत सो ने कहा कि दे आर हैप्पी विद देयर कनेक्शंस एंड ऑल, तो ये और उर्फी और जीशान का ऑब्वियसली उन्होंने नंबर वन पे बुलाया था उनको पहले, लेकिन उन्होंने जिस तरह से दिखाया उनको लगा वो एक दूसरे से खुश नहीं है, और स्पेशली उर्फी तो जीशान से खुश नहीं है, साफ दिखाया उसने, साफ दिखा। तो एनीवेज फिर उन्होंने जो रैंक दिया उसकी बेस पे प्रतीक और अक्षरा बने बॉस लेडी और बॉस मैन, जिसके लिए प्रतीक और अक्षरा के फैंस को कॉन्ग्रेचुलेशंस। आपके जो फेवरेट्स हैं, मतलब वैसे तो वो प्रतीक मेरा भी फेवरेट है, बट आपके जो फेवरेट हैं वो उनको सब राइट मिल गई, वो नंबर वन पे हैं और उनको बॉस लेडी और बॉस मैन बनाया। तो मुझे कहीं लगता है बिग बॉस ने भी खेला है, क्योंकि जो लोग जो प्रतीक के पीछे पीछे चल रहे थे या प्रतीक को वाह वाह करने में लगे हुए थे और समझ रहे थे ऐसा ही गेम खेलना है कुछ, उनको भी थोड़ा हुआ यार हम तो टास्क जीत रहे हैं, हम ये कर रहे हैं और मिल गया इसको सारा राइट, तो थोड़ा उनको है, क्योंकि बाद में जब ये सब हो गया उसके बाद देविया तो सबकी धज्जियां उड़ा रही थी कि देखो और जाओ बैठो उसके साथ हंसो और उसको ही सारे चांसेस दो, उसको ही चढ़ाओ, तुमने सबने चढ़ाया अब देखो तुम सब कहाँ पर हो। तो उस पे वो निशान, उर्फी और मुस्कान तीनों देविया के सामने खड़े और चुप खड़े सुन रहे थे। तो मैं भी देख रही थी, मैंने कहा हाँ काय कैसे पलट गई, ये जो अभी इतना खुश थे ये कैसे एकदम इसके साथ देविया के साथ खड़े, जो देविया को ही गलत गलत मान के चल रहे थे, और देविया को भी मौका मिल गया अपनी भड़ास निकालने का। तो प्रतीक यू आर गुड, प्लेड वेल, एंड बिग बिग बॉस यू आल्सो प्लेड वेल। तो मतलब प्रतीक तो गुड है बहुत सी चीज़ों में, इसलिए क्योंकि देखिए ये गेम जो है ना उसको समझना बहुत ज़रूरी होता है कि एक्चुअली बिग बॉस का गेम है क्या। तो अगर आप यही सही से नहीं समझेंगे ना तो आपको लगेगा कि बिग बॉस नाइंसाफ़ी कर रहे हैं, लेकिन उन वो भी गेम खेल रहे हैं, उनका तो गेम है वो भी गेम खेलेंगे, तो जब वो भी गेम खेलेंगे और आने वाले को भी गेम खेलना है, वो एक चाल चलेगा तो बिग बॉस भी चाल चलेंगे, ऐसा थोड़ी कि बिग बॉस ने एक बना के इनको ही छोड़ दिया, वो भी तो अपने चालें चलेंगे ना, और फिर उस चालों को कौन कैसे पार करके गुजर के आता है वही बनता है विनर। तो दैट्स द थिंग। तो प्रतीक उस हिसाब से बहुत अच्छा जा रहा है, मैंने हमेशा यही बोला कि वो अच्छा जा रहा है, बस थोड़ा सा संभल कर, वही बात आज सीमा जी ने उसे बोला कि थोड़ा पेशेंस रखो, बाकी अच्छा कर रहे हो लेकिन थोड़ा सा पेशेंस रखोगे तो तुम दूर तक के, वो कहते हैं ना दूर तक जाने वाला घोड़ा, तो वो चीज़ है प्रतीक में और वो छाया हुआ है, ये तो हम सब ही मानते हैं। और फिर उसके बाद जो है ऑडियंस की रिपोर्ट आई और जिसकी बेस पे लड़कियों को मिला उनका सामान वापस, वो हो गए बहुत खुश। बेचारी देविया बहुत अपसेट थी, अब देखते हैं कल क्या होता है, कल का दिन कैसे जाता है, लेकिन आज का दिन बहुत अच्छा गया, अगर बहुत तमाशे भी नहीं हुए और बहुत डल भी नहीं हुआ, इट वॉज़ अ परफेक्ट डे, इट वॉज़ अ नाइस डे। तो ये तो आज का मेरा रिव्यू है, और अब आप देखते रहें बिग बॉस OTT ऑन वूट सेलेक्ट, एंड कीप सपोर्टिंग योर फेवरेट कंटेस्टेंट्स, एंड डू वॉच Clips Vision USA for more updates, reviews, and news. Hi, this is Vishaladitya Singh, and you are watching on Clips Vision.